हाय सर जी, ये मनी ऑर्डर कहाँ आते हैं? अगले काउंटर पे चलिए। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मनी ऑर्डर यहाँ आते हैं? बेबी यहाँ से तो जाते हैं मनी ऑर्डर। मेरा जी ऑस्ट्रेलिया से मनी ऑर्डर आएगा तो कहाँ आएगा? बीबी दुनिया के किसी भी हिस्से से आया मनी ऑर्डर यहाँ पर आएगा और आपके घर पहुँच जाएगा। हाँ मगर पहुँचा नहीं जी, बड़ी परेशान। आप ऐसा कीजिए, बराबर में डिलीवरी सेक्शन, ठीक है, वहाँ पे पेड सेक्शन है, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आया है कि नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मेरा नाम नादिया है, मेरा मनी ऑर्डर ना ऑस्ट्रेलिया से आना है, देखें तो जरा आ गया कि नहीं। एक मिनट जरा, आपके नाम का मनी ऑर्डर अभी तक तो नहीं आया है, जैसे ही आएगा पोस्टमैन आपके एड्रेस पे तकसीम कर देगा। ठीक है जी, शुक्रिया। ओ हाँ जी, मैंने सारे टिकट और वीजों का बंदोबस्त कर दिया है। जी 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 जी, आपको तो पता है आजकल बड़ी सख्ती है, और मैंने बंदोबस्त करवा दिया है, 20 वीजे मैंने लगवा लिए हैं, और समझा करें ना जी, बाद में काम आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अच्छा जी, ओके ओके। मैंने वीजे शीजे का बंदोबस्त करा दिया, टिकट शिकट भी तैयार है, बस आप रकम का बंदोबस्त करें। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, रकम पहुंच जाएगी आपको, बस हमारा जरा ख्याल रखिएगा। आप फिक्र ही ना करें और किसी से जिक्र ही ना करें, अब आप चलें जरा, मुझे और भी काम है। क्या? बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब, आए आए, हम तो इंतजार कर रहे थे उस वक्त का जब आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाएंगी। देखें जी, मैं अमजद के बारे में बात करने आई हूँ। अमजद की बात? क्या बात करने आई हैं आप अमजद के बारे में? 3 महीने हो गए उनको गए हुए। तो फिर क्या हुआ ना, आप क्या ना क्या चाहती हैं? अरे ना कोई खैर, ना खबर, ना टेलीफोन, ना खत, ना मनी ऑर्डर, कुछ भी तो नहीं। अच्छा जी, और तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? ये क्या कम परेशानी है, मुझे तो यही नहीं मालूम है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और यहाँ मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, हर कोई तकाजा कर रहा है रकम का। ओ जी, मुझे तो लगता है मुझे वहां जाके आपको भूल गया है, वहां जाकर उसने किसी मेम शेम से शादी कर ली होगी जी, भूल गया होगा आपको। मैं तो कहता हूँ आप भी उसे भूल जाएं, इसी में भलाई है आपकी। और क्या, कम लोग पड़े हैं आपकी राहों में। वैसे भी जी आप तो बड़ी खूबसूरत हैं। बताएं कितनी रकम देनी है? और जनाब जान भी हासिर है, बताएं, निछावर कर देंगे आपके कदमों पर सारी रकम, बोले। आप बताते क्यों नहीं कि वो कहाँ हैं? क्या पता है उनका? और जी उसने तो मुझे अपना पता भी नहीं भेजा, और वो और पेमेंट भी नहीं दीजिए उसने अभी तक, मेरी पूरी रकम वसूल करनी है मैंने उससे। अगर मेरी पेमेंट ना मिली ना तो मैं आपसे वसूल करूंगा, समझू? अब तो जी मालिक मकान ने भी घर से निकाल दिया है, भाई के घर रह रही, भाभी भी रोजाना पूछती है, अब आप लोग ही कुछ कीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस अफसोसनाक मामले का कानूनी पहलू क्या है, क्या किया जाए, क्या किया जाए? हम ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से इंक्वायरी भी तो करवा सकते हैं ना। हाँ, हम उन्हें एक लेटर भेजते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड देख के बताएं कि उन्होंने ये वीजा कब इशू किया।
लेकिन इससे हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि अमजद अब कहाँ है। जी मैं एयरपोर्ट गई थी मालूम करने के लिए। ये उनके जाने की तारीख और टिकट नंबर है जी। तो मसला ही हल हो गया। अमजद सिडनी की फ्लाइट से चला गया और उसके बाद कहाँ गया हमें क्या? अच्छा उन्होंने वीजा किससे लगवाया था? नाम क्या बताया था आपने? इजाज, बड़ा ही बुरा आदमी है। वैसे उसे नोटिस भी भेजा जा सकता, शायद कुछ बता दे। मेरे ख्याल में उसके खिलाफ मुकदमा भी किया जा सकता। सुन कहाँ जा रही है? बड़े वकीलों से नोटिस शोटिस भिजवाती है मुझे, क्या करूँ इस नोटिस का है? हाँ तो तुमने भी तो अमजद से पैसे लेने हैं, तुम पता क्यों नहीं बताते उसका? अब भूल गया तेरा अमजद मुझे और मेरे पैसों को और तुझे भी? और तू क्या अदालत में धक्के खाने चली है? अरे जो दुनिया कर रही है ना तू भी वही कर, भूल जा उसे। चल हट जा मेरे रास्ते से। और सुन तू भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना कर, बात समझिए कि नहीं? और ये मुकदमे दर्ज कराने की जरूरत ना कर। वाह जी वाह, एक तो एहसान करो, वीजे लगवाओ, टिकट लेके दो, ऊपर से हमारे ही खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है। देख लूंगा तुझे। हाँ।